नाहदा वाली टीम को 8 ओवर में 96 चाहिए। अजमान ने बनाई, ये टीम ने बनाई है 8 ओवर में। अभी तनवीर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है इंशाल्लाह। अभी बैटिंग के लिए देखते हैं कौन कौन जा रहे हैं बैटिंग के लिए। अब्दुल्ला और सलीम जा रहे हैं, अल्लाह वाली इंशाल्लाह मैच जीतने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करना, जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अजमान वाली टीम जा रही है फील्डिंग करने के लिए, तो अभी बैटिंग करेंगे अल्लाहदा वाली टीम। तो अब्दुल्ला और शफीक साहब मेरे ख्याल में जा रहे हैं, तो ये उधर प्लेयर आ गए हैं। स्कोर तो कुछ नहीं है 8 ओवर में, माशाल्लाह ये टीम भी बहुत अच्छी है। तो वो फील्डिंग के लिए जा रही है अजमान वाली टीम, तो अल्लाहदा वाली टीम बैटिंग करेगी। नाइन्टी सिक्स रन चाहिए नाहदा वाली टीम को 8 ओवर में। तो अभी जा रहे हैं अब्दुल्ला और शफीक साहब, अब्दुल्ला तो बैटिंग के लिए, तो इंशाल्लाह देखते हैं। बैटिंग बहुत अच्छी होती है, चेक करें नहीं। अब्दुल्ला और सलीम साहब हैं और शफीक साहब, सॉरी शफीक साहब और अब्दुल्ला साहब हैं, गलती हो जाती है। तो ये अजमान वाली टीम है, वो प्लेयर बैठे हैं, तो देखते हैं बॉलिंग के लिए। इनकी भी बॉलिंग भी अच्छी है, तो अब्दुल्ला साहब खब्बा खेलते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कौन सी टीम अच्छी कारकर्दगी करती है। तो ट्रॉफी मिलेगी, जो जीतेंगे इनाम मिलेंगे उनको। अभी बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं टेस्ट हो रही है, बॉलिंग नहीं है अभी, चालू नहीं है मैच। अभी मैच शुरू होने वाला है, तो अभी देखते हैं अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं। अब्दुल्ला साहब अभी बैटिंग में, बॉलिंग अजमान वाली टीम कर रही है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम, खाने का भी प्रोग्राम है इंशाल्लाह। मैच बहुत बॉलिंग हो रही है, तो अब्दुल्ला साहब ने एक बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है और बैटिंग, एक स्कोर हुआ अल्लाहदा का, अब्दुल्ला साहब ने एक स्कोर बनाया है। तो ये टीम इंशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसका नाम का पता नहीं है। ये मुबशर साहब बॉलिंग कर रहे हैं अजमान के, बहुत अच्छे बॉलर हैं और बैट्समैन भी हैं, बैटिंग भी करते हैं। मुबशर साहब बड़े प्लेयर हैं, मैं ठीक है। अभी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी शफीक साहब बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वाइट बॉलिंग, वाइट बॉल और भी वाइट बॉल इसने मारी है। तो शफीक साहब अभी बैटिंग कर रहे हैं, अभी बॉलिंग मुबशर साहब कर रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छी बॉलिंग है। और नदीम साहब पकड़े और गिरे, हाथ में आ गई है, पीछे नदीम साहब खड़े हैं अजमान की टीम के। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, अब्दुल्ला साहब अभी बैटिंग के ऊपर आ गए हैं, पहले वो दूसरी साइड, देखते हैं अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं। शाबाश अब्दुल्ला साहब ने बहुत अच्छा शॉट मारा, इंशाल्लाह सादा प्रोग्राम के साथ ऊपर देखेंगे मैच। शफीक साहब हैं, शाबाश ज़बरदस्त एक रन के लिए।
बादशाह साहब की बहुत अच्छी बॉलिंग है और अब्दुल्ला साहब बैटिंग के ऊपर हैं। शाबाश, अब्दुल्ला साहब ने मारा और नदीम गिरे हैं, नदीम गिरे हैं, कैच नहीं हुआ। और ओवर हो गया, हाँ अन्नादा की टीम का पहला ओवर 7 स्कोर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। और नदीम साहब बोलेंगे के ऊपर आ गए हैं, उसके सामने हैं अब्दुल्ला साहब, देखते हैं नदीम साहब कैसी बॉलिंग करते हैं। तय, और अब्दुल्ला साहब और दूसरी साइड में शफीक साहब, पहले यार कह रहा है लाइन, तय अभी नदीम बॉलिंग कर रहे हैं और अब्दुल्ला साहब जबरदस्त। ओ अब नदीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अब्दुल्ला साहब आउट हो गए, पीछे कैच आ गया, बहुत अच्छी नदीम ने बॉलिंग की है और कैच अब्दुल्ला साहब। अभी जा रहे हैं सलीम साहब कैप्टन, सलीम साहब देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। अभी देखते हैं और प्लेयर की टीमें भी हैं, तो बहुत अच्छा प्लेयर था अब्दुल्ला साहब, आउट हो गए हैं, उनकी भी बॉलिंग है, नदीम ने आउट किया अब्दुल्ला साहब को। अभी सामने आ रहे हैं सलीम साहब, तो भी देखते हैं, तो नदीम साहब बॉलिंग कर रहे हैं और सलीम साहब बैटिंग, शाबाश छक्का, दीवार के बाहर चली गई, पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दिया सलीम साहब ने, बहुत अच्छी बैटिंग है सलीम साहब की। और उसके बाद तनवीर साहब हैं, अलनादा की टीम, खालिद साहब हैं, बहुत अच्छी टीम है अलनादा की भी। तो और नदीम को पहला छक्का लगाया सलीम साहब ने और दूसरा छक्का सलीम साहब ने, ज़बरदस्त बैटिंग की है सलीम साहब ने, दोनों बालों पर छक्का लगाया, एक उधर एक इधर, एक लेग साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो ज़बरदस्त सलीम साहब की बैटिंग है, बहुत अच्छी प्लेयर हैं सलीम साहब, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। नदीम साहब बॉलिंग कर रहे हैं, सलीम साहब अभी देखते हैं, शाबाश ज़बरदस्त ये बाल आ गई है, तो फील्डर के हाथ में 1 स्कोर बनाया सलीम साहब ने। तो अभी शफीक साहब आ गए हैं, उधर पेड़ और भी टीमें थी, और शफीक साहब देखते और 1 स्कोर बन गया, शफीक साहब ने बना दिया 1 स्कोर। तो ये अजमान वाली टीम का दूसरा ओवर है, पहले पे 1 विकेट, तभी सलीम साहब आ गए, तो सलीम साहब नदीम साहब वाइट बाल। तो जो अलनावत वाली टीम है, मैं उसके साथ हूँ, उनके साथ हूँ, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो नदीम साहब बोलेंगे के और सलीम साहब शाबाश, नदीम ने अच्छी बोलेंगे के और हाथ में नहीं है बाल नदीम साहब के। अभी 2 ओवर हो गए, अभी तीसरा ओवर में आए, 2 ओवर में 23 स्कोर। ये शफीक साहब हैं और सलीम साहब हैं और मुबशर साहब बॉलिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की है मुबशर साहब ने, तो नदीम साहब के हाथ में। और सलीम साहब हैं, मुबशर साहब बहुत बोला रहे हैं और सलीम साहब
विकेट नजर भी नहीं आया, आउट कर दिया सलीम साहब को, आउट कर दिया मुबशर साहब ने। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की है सलीम, कैप्टन थे, आउट हो गए। सलीम साहब ने स्टॉप किया, उसको मालूम भी नहीं बॉल विकेट में जा लगी, बहुत तेज थी बॉलिंग मुबशर साहब की। तो अभी तारक साहब जा रहे हैं बॉलिंग बैटिंग के लिए, तो हाँ इंशाल्लाह देखते हैं। अभी शफीक साहब हैं, तारक साहब बैटिंग के लिए जा रहे हैं, मुबशर साहब बॉलिंग कर रहे हैं, अल नाहदा वाली टीम। हाँ इंशाल्लाह देखते हैं तारक साहब क्या करते हैं कारकर्दगी। मुबशर साहब बॉलिंग के ऊपर और तारक साहब तो शाबाश, एक स्कोर ज़बरदस्त बॉलिंग की है मुबशर साहब ने। तो अभी शफीक साहब आ गए और मुबशर साहब सलीम साहब को शाबाश, और शफीक साहब बैठ दिया है और मुबशर साहब की, शफीक साहब बैटिंग के ऊपर देखते हैं। मुबशर साहब की बॉलिंग बहुत अच्छी है, शाबाश स्कोर, शफीक साहब ने स्कोर बना दिया, शाबाश। बिशर साहब की बहुत बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग है, तारक साहब अभी सामने हैं बॉलिंग के, शाबाश तारक साहब ने। अभी मुबशर साहब ने बॉलिंग किया, शाबाश तारक ने बैठ दिया है, मुबशर की बहुत तेज़ बॉलिंग है, तारक को मालूम भी नहीं हो रहा। तो ओवर हो गया, तीन ओवर हो गए, तीन ओवर 26 स्कोर, हाँ 26 तीन ओवर हो गए हैं। ये मुबशर का बहुत अच्छा बॉलर है अजमान का, और शफीक और अभी दूसरे आ रहे हैं बॉलर। अभी अजमान की टीम के मंसूर आए हैं बॉलिंग के ऊपर, मंसूर साहब आए हैं, नदीम इधर आ गए हैं। तो ये चौथा ओवर है, तो सामने आए हैं शफीक साहब मंसूर साहब बॉलिंग के ऊपर, शाबाश शफीक साहब ने, बहुत पहली बॉल वाइट हुई। मंसूर साहब बॉलिंग कर रहे हैं, शफीक साहब सामने हैं और कैच देखते हैं क्या होता है, कोई प्लेयर नहीं है, कैच नहीं हुआ। तो शफीक साहब का खाने का भी प्रोग्राम है, 2 बजे खाना मिलेगा। और तारक साहब आ गए हैं बैटिंग के ऊपर, तो शफीक साहब कह रहे हैं बैट लेके आओ, और मंसूर तारक साहब वाइट वाइट बॉल हो गई है। अभी तारक साहब देखते हैं क्या, शाबाश तारक साहब ने मारा है और चौका, चौका हो गया, फील्डर के हाथ से गई है चौका अजमान की टीम वाला। तो तारक ने अच्छा शॉट मारा, उसके हाथ से गई है चौका, ये अजमान वाली टीम है। तो बहुत अच्छी है प्लेयर, बहुत अच्छी टीम। अभी मंसूर साहब के सामने आए तारक, तारक ने मारे बाल ऐसे बीट हो गई है। तो मंसूर साहब ने बॉलिंग करा रहे हैं, शफीक साहब कह रहे हैं बैट लेके आओ। अभी शफीक साहब बैट, मंसूर साहब बॉलिंग कर रहे हैं और तारक सामने खड़ा है बैटिंग करने के लिए, शाबाश तारक ने मारा और दूसरा चौके के जाने वो हाथ में आ गए फील्डर के, एक स्कोर बना। तो शफीक साहब सामने, मंसूर साहब के सामने बॉल शफीक को लगी है,
चौथा ओवर है। शाबाश शफीक ने बहुत अच्छा छक्का मारा है दीवार के वो साइड में, लेग साइड में बहुत अच्छा मारा है मंसूर साहब को। लास्ट बॉल थी, चार ओवर हो गए, चार ओवर में चाहिए 41 अलनाहदा वाली टीम को जीतने के लिए। अभी नदीम साहब आ गए हैं, तारक साहब सामने खड़े हैं, देखते हैं। तारक साहब ने बहुत अच्छा छक्का लगाया नदीम साहब को, बहुत अच्छा छक्का मारा है तारक साहब ने पहली बॉल के ऊपर। ये पांचवा ओवर है, चार ओवर ख़त्म हो गए हैं और पांचवा ओवर की पहली बॉल में तारक ने पहला छक्का लगाया नदीम को। तो ये और नदीम दूसरी बॉल कर रहे हैं, अभी देखते हैं तारक साहब क्या करते हैं। तो शाबाश तारक साहब ने दूसरा और छक्का लगाया दूसरी बॉल पे नदीम को, बहुत दूर जाकर पड़ी, शाबाश तारक। अभी नदीम साहब तीसरी बॉल कर रहे हैं, शाबाश वाइट बॉल, दो पे छक्के एक वाइट। तारक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अलनाहदा वाली टीम के बैटिंग बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी। अभी बिरयानी जा रही है खाने के लिए, बिरयानी की तरतीब बने हैं और तीसरा छक्का तारक ने, तीसरा छक्का, तीन बालों पे तीन छक्के नदीम को। नदीम ने एक बाल वाइट की, तीन बॉलें की, तारक ने तीन छक्के लगाए नदीम को। ये अजमान वाली टीम है, तारक ने तीन छक्के लगाए, बहुत अच्छा बैट्समैन है तारक। उसके बाद आएंगे तनवीर साहब, अभी चौथी बॉल हो रही है, तारक देखते हैं क्या करते हैं। नदीम शाबाश, चार छक्के लगाए तारक ने, बहुत अच्छी शाबाश तारक ने, बहुत अच्छे चार छक्के चार बालों के ऊपर। तारक की बैटिंग बहुत अच्छी है, चार छक्के लगाए हैं नदीम को चारों बालों के, एक वाइट उसने डाल दिया, बालें भी चार कराई और चार छक्के मारे। अभी देखते हैं नदीम साहब क्या करते हैं। ये ऐसे चली गई बाल, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी है तारक की बैटिंग। और अजमान की टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई है, देखें अजमान की टीम निकल सकती है नहीं निकल सकती, बाकी गेम का पता तो नहीं है होता। शाबा नदीम बॉलिंग कर रहे हैं, शाबा, और दूसरा कैच उठाया, देखते हैं फील्डर के हाथ में है, देखते हैं कुछ नहीं हुआ, देखते हैं क्या पूछते हैं, चौका है छक्का है क्या है। तो चौका, चक चौका नदीम को लगाए और नदीम का आखिरी बॉल है मेरे ख्याल में नदीम की। हाँ बिल्कुल, शाबा तारक, बहुत अच्छा प्लेयर है। दो प्लेयर ये हैं, एक वसीम साहब, तारक बहुत मोशन में है आज, देखते हैं। वाइट मारी है नदीम साहब ने, तो नदीम साहब ने वाइट लगाई है, तारक बहुत बैटिंग अच्छी की है, तारक साहब ने नदीम साहब को बहुत मुश्किल हो गई बॉलिंग करने में। तो उसके सामने हैं, अभी देखते हैं नदीम साहब बॉलिंग कर रहे हैं, तारक साहब ज़बरदस्त, दो अच्छी बॉलिंग किए हैं नदीम साहब ने। वसीम साहब जब भाग के जा रहे हैं अपनी टीम के पास, अलनाहदा ने दो विकेट आउट हैं, 72 स्कोर हैं। तो ये अभी कितना ओवर हो गया, पांचवा ओवर हो गया। ये खाना का प्रोग्राम जा रहा है, ये देखो सामने लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, दो विकेट के नुकसान पर इंशाल्लाह, देखते हैं, दो खाने का भी प्रोग्राम है सब चीज़ का है। सलीम साहब सामने हैं, शाबाश, पहला छक्का शफीक साहब ने मारा है और शफीक साहब ने दूसरा छक्का मारा है बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है शफीक साहब ने, बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं अजमान वाली टीम ने, दो बॉलें पे दो छक्के शफीक साहब ने मारी है। इसका नाम पता नहीं है बॉलिंग वाले का, वो कहते हैं शफीक साहब हैं, ये साजक साहब हैं, ये भी प्लेयर हैं अलनाहदा वाली टीम के। इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रही है नादा वाली टीम, बहुत
बहुत अच्छी टीम है, इंशाल्लाह देखते हैं टूर्नामेंट ये कप कौन लेके ट्रॉफी कौन लेके जाते हैं। तो बोलेंगे अजमान वाले शफीक साहब साहब शाबाश ज़बरदस्त बैटिंग हो रही है। तो तारक साहब और शफीक साहब बहुत अच्छे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी की है जी हमारी टीम है अलनाहदा वाली। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं तारक साहब सामने शाबाज अभी खाने का भी प्रोग्राम है, खाने की तरतीब बन रही है। तारक साहब ने और छक्का लगाया है, बहुत अच्छा छक्का लगाया है तारक साहब, बहुत आज बैटिंग अच्छी की है तारक साहब, बैट्समैन है। तो उसको ओवर भी एंड को पहुंचा है, तो मेरे ख्याल में 6 ओवर हो गए हैं। शफीक साहब ने बहुत छक्का लगाया और हाथ में उसके फील्डर के हाथ में गई बाल का छूट गया। तो 4 रन चाहिए जीतने के लिए, तो 6 ओवर हो गए हैं, ये 7वां ओवर है मेरे ख्याल में। तो अजमान वाली टीम जी तारक साहब अभी बैटिंग के ऊपर हैं, तो ये तारक साहब देखते हैं क्या करते हैं, एक स्कोर बनाया है। तो तारक साहब थके हुए आए हैं, बैटिंग बहुत अच्छी की है तारक साहब ने, शाबाश 9 बॉलों पर 3 रन चाहिए, 9 बॉलें 3 रन स्कोर। तो हाँ 3 रन चाहिए 9 बॉलें पे। शफीक साहब देखते हैं क्या करते हैं, शाबाश ज़बरदस्त डबल स्कोर, देखते हैं डबल बनता है नहीं बनता। तारक साहब आ गए हैं, 1 रन बनाया, अभी खाना भी तकसीम हो रहा है। तारक साहब बहुत अच्छी बैटिंग की है अभी, शाबाश तारक साहब ने बहुत छक्का लगाया, मैच को जीत लिया शाबाश। अभी पूछते हैं उनसे अलनाहदा वाली टीम से पूछते हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी है, अभी मैच जीत लिया है अलनाहदा वाले ने, तारक की बहुत अच्छी कारकर्दगी है। माशाल्लाह अजमान वाले तारक मुबारकबाद हो, मुबारकबाद बहुत अच्छी बैटिंग की है, तो मुबारकबाद अब्दुल्ला ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी है, बहुत परफॉर्मर के साथ, और ये टीम के प्लेयर हैं, तो और इंशाल्लाह बहुत। सलीम साहब इधर इंटरव्यू दें, माशाल्लाह हमने मैच अभी जीत लिया है, सामने कम हमने मैच जीत लिया है, अभी हमारा फाइनल होगा, देखते हैं अभी एक सेमीफाइनल बाकी है, उसके बाद हमारा फाइनल है, आपको बताएंगे किस किस के साथ हमारा फाइनल। तारक ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, नदीम ने अच्छी बॉलिंग की है, माशाल्लाह बैटिंग भी अच्छी की है, बहुत अच्छी की है।